आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, दैट इज पोर्टफोलियो हेजिंग। बहुत देर से मुझे आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि एक पोर्टफोलियो हेजिंग के ऊपर एक वीडियो क्रिएट करो। चार तरह की पोर्टफोलियो हेजिंग होती है जिसको मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उसके सारे के सारे कॉन्टूर्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान से सुनना इस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मुझे जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस करना है। एक बारी जो छोटे अकाउंट्स होते हैं उनके लिए पोर्टफोलियो हेजिंग नहीं होती है, ठीक है। जब भी हम लोग पोर्टफोलियो हेजिंग की बात करते हैं तो कम से कम आपका जो पोर्टफोलियो है 5 या 10 लाख का होना चाहिए, फिर ही हम उसकी हेजिंग के बारे में सोच सकते हैं। बट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड फॉर एवरी ट्रेडर इज की पोर्टफोलियो हेजिंग होती क्या है। पोर्टफोलियो हेजिंग इज कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक मार्केट के अंदर या कमोडिटीज के अंदर या फॉरेक्स के अंदर। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कई ट्रेडर्स का एपेटाइट होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं एंड ओवर टाइम वो इन्वेस्टमेंट क्लाइम कर जाती है। बट कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखने का दिल करता है कि मैंने कुछ बाय किया था तो वो कहाँ पे जा रहे हैं। नाउ दैट इज अ सिचुएशन जो उनसे टॉलरेट नहीं होती अगर प्राइसेस नीचे को जाना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख रुपया एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है, और अगले दिन से उस शेयर की वैल्यू डाउन चलनी शुरू हो जाए और आप उस सिचुएशन को नहीं फेस करना चाहते, उस केस के अंदर आप हेजिंग कर सकते हो। दूसरा होता है हेजिंग का, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, अगर मार्केट के अंदर अनएक्सपेक्टेडली कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ किस तरीके से रखोगे, दैट इज वेयर पोर्टफोलियो हेजिंग हेल्प्स यू। फॉर एग्जांपल, 2019 के अंदर जब कोविड का क्रैश आया था तो इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। 4 या 5 महीने मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज, निफ्टी 12,000 के आसपास ट्रेड करती रही एंड सडनली वन डे इट ब्रोक द सपोर्ट एंड स्टार्टेड गोइंग डाउन। ऐसे केस में अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से हेज करना है, दैट इज व्हाट मेनी इन्वेस्टर थिंक अबाउट। आज के टाइम पे भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 24,600। सो कई ट्रेडर्स के दिमाग में ये बात है, अगर मार्केट यहाँ से गिर जाए, देर आर परपेचुअल परमानेंट बियर्स इन द मार्केट, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू बताऊंगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको मैं डेली लाइफ के अंदर यूज करता हूं एंड दे आर जस्ट नॉट गुड फॉर रेगुलर हेजिंग ऑल्सो, पर उनसे काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी आते हैं, तो एंड तक इसको जरूर सुनना। नाउ एज आई सेड, जो पोर्टफोलियो हेजिंग होती है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। अगर आप 1 लाख 2 लाख या 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, आई थिंक आपको हेजिंग नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ एक हर मंथली इंटरवल के ऊपर थोड़ा थोड़ा मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। जब आपका कॉर्पस बड़ा हो जाएगा तब आप उसको हेज करने के बारे में सोचो, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडर्स पोर्टफोलियो हेजिंग को दो तरीके से कंफ्यूज करते हैं। पहली चीज, जब वो हेजिंग करते हैं तो उनको ये होता है कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर भी प्रॉफिट आ जाए और जो मैंने एक हेजिंग कॉस्ट इनकर की है मुझे उसके ऊपर भी प्रॉफिट आ जाए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, जो पोर्टफोलियो को आप हेज करते हो, बेसिकली आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस बाय करते हो कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट नीचे को गिर गई तो मेरी जो इंश्योरेंस है वो मुझे पे ऑफ करेगी, सो डेट मेरा लॉस कहीं ना कहीं पे ऑफसेट हो सके। उसका चांस साल में 1 बारी है या 2 बारी है ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट्स आने का, बट इसेंशियली हेजिंग इज अ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है, जब भी आप एक इंश्योरेंस देते हो, अगर तो वो इवेंट अकर हो गया जिसका आपको डर था, इट विल पे यू हैंडसमली, बट अगर वो इवेंट नहीं अकर होता तो आप जो भी बाय करोगे हेजिंग के अंदर वो एक कॉस्ट है जो आपको सेलर को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो स्मॉल अकाउंट्स अगर हेजिंग के अंदर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 1 लाख 2 लाख 3 लाख इन्वेस्टमेंट टाइप अकाउंट, अगर वो इस तरीके की इंश्योरेंस बाय करने लग पड़े तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे कॉस्ट फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। सो जब एक कॉर्पस बड़ा हो जाए तब करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू अवर प्रेजेंटेशन, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड दैट आई एडवाइज फॉर हेजिंग पर्पसेस, एंड दिस इज नॉट इसेंशियली फॉर पोर्टफोलियो हेजिंग बट ट्रेडिंग विद हेजिंग। सो कमिंग बैक टू अवर प्रेजेंटेशन, सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिन लोगों के पास 5 से 10 लाख की कैपिटल है और वो लोग अपने पोर्टफोलियो को हेज तो नहीं करना चाहते बट अपनी ट्रेड्स को हेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके साथ ACC का। इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मीन रिवर्सल एक बाय ट्रेड के बारे में बात करूंगा कि उसको हम लोग एक हेजिंग के साथ किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज नॉट एसेंशियली पोर्टफोलियो हेजिंग बट इट हेल्प्स यू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम इफ यू आर हैविंग अ पोर्टफोलियो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू हेज योर पोर्टफोलियो एंड अगेंस्ट दैट यू हैव टू यूज द ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पर्टिकुलर केस
ACC का डेली चार्ट के ऊपर एंड वीकली चार्ट के ऊपर एक साइडवेज जोन क्रिएट हो रहा था, विच यू कैन सी हियर ऑल्सो। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 2300 के पास ACC बहुत ज्यादा नीचे को गिर चुका है, अपनी एक सपोर्ट के पास खड़ा हुआ था। आई वॉन्टेड टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक हेयर, बट बिकॉज देर इज नो विजिबल ट्रेंड इन द मार्केट, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि मैं इस ट्रेड को एज अ ऑप्शन के साथ ट्रेड करूँ। सो ऐसे टाइम पर इफ आई एम यूजिंग ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग, मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मेरी पोजिशन साइजिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो भी मैं स्ट्रैटेजी ऑप्शंस के अंदर क्रिएट करूंगा उसका मैक्सिमम लॉस वर्सेस मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इट डजंट मेक सेंस कि मैं 5,000 कमाने के लिए 15,000 का रिस्क उसके ऊपर ले। ऐसे टाइम पर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू आपकी जो ऑप्शन पोजिशंस होंगी वो हमेशा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ फॉर्म होगी। सो व्हाट आई डिड हियर वाज, मैंने यहाँ पे वन स्ट्राइक इन द मनी पुट सेल की एंड वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी पुट मैंने बाय कर ली। यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी और ऊपर को ट्रेड नहीं कर रही थी, ऐसे में ACC भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया हुआ था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सम टाइप ऑफ अ बिग क्रैश। ACC अपनी एक सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ था। नाउ द थिंग इज, जो FNO स्टॉक्स होते हैं वो हाईली मीन रिवर्टिंग होते हैं। मीन रिवर्टिंग का मतलब है कि वो वापस अपने सेंटर की तरफ को जाने की कोशिश करते हैं, एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट इज इन अ साइडवेज चैनल सपोर्ट के ऊपर बाय करना ठीक रहता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टॉक को बाय करोगे और वो नीचे चला गया तो उसको हेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो इन दिस केस मैंने ACC की 2320 की इन द मनी पुट सेल कर दी और आउट ऑफ द मनी 2280 की पुट को मैंने बाय कर लिया। सो मैंने एक तरीके से बुल पुट स्प्रेड कर लिया और मेरा जो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी का चार्ट था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था। एंड यू कैन सी हियर कि जब मैंने इसको क्रिएट किया वन स्ट्राइक इन द मनी एंड वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी, ऑटोमेटिकली जो मेरी ऑप्शन पोजीशन क्रिएट हुई थी उसके अंदर मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:1 था। दैट मीन्स अगर यहाँ से ये स्टॉक नीचे गिर भी जाता है तो मुझे इसके ऊपर 6,000-7,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा और 6,000-7,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा अगर ये मेरी डायरेक्शन में चला भी गया। सो जिन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के पास कैपिटल 5,00,000 से लेकर 10,00,000 तक रहती है और वो एक स्टॉक के अंदर पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, प्लस अपना रिस्क कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए इन द मनी पुट सेल आउट ऑफ द मनी पुट बाय या फिर इन द मनी कॉल सेल एंड आउट ऑफ द मनी कॉल बाय एक बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है। बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग द डायरेक्शन तो आपका एक तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा कैलकुलेटेड रहता है, दूसरा जब भी वो स्टॉक मीन रिवर्ट की तरफ करेगा बिकॉज आप एक इन द मनी पुट या कॉल सेल कर रहे हो वो डायरेक्शन बहुत जल्दी पकड़ेगा और आपको बेनिफिट देगा। और इस चीज को मैं आपको लाइव ट्रेड के अंदर भी दिखा रहा हूं, ठीक है। 2320 की जो पुट थी मैंने 66 पे सेल की थी एंड 2280 की जो पुट है मैंने 43 पे बाय की थी। दिस इज अ ट्रेड दैट आई टुक इन माय अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन एंड यू कैन सी दैट राइट नाउ आई एम होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड इन माय ट्रेडिंग अकाउंट और ये पोजीशन इस टाइम पे 22 और 12 रुपए पे रहगी हुई है, ठीक है, बिकॉज ACC अपने उस पॉइंट से अब जंप कर चुका है। सो दिस इज वन वे बाय विच यू कैन टेक अ हेज्ड पोजीशन। ये जो मेथड था ये एक ट्रेडिंग का मेथड था कि आप हेजिंग के साथ ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब एक सेकंड मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो प्योरली पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल अगर 5,00,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू है तो आप अपनी 5% की जो कैपिटल है वो एक ब्लैक स्वान इवेंट के लिए आप एलोकेट करोगे। ब्लैक स्वान इवेंट के लिए एलोकेट करने का मतलब है कि दैट इज अ कॉस्ट दैट यू आर विलिंग टू पे, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम मुझे पे करना है ताकि अगर कल को मार्केट सडनली गिर जाती है और मेरा पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं से बेनिफिट होता रहे। बहुत देर से कम 2-3 साल तक मैं ये बात सोचता रहा कि यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ एंड ट्रेडिंग इज अ वेरी अनसर्टन बिजनेस, ऐसी चीज के अंदर अगर कल को एकदम से मार्केट गिर जाए तो मेरे लिए तो कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी नहीं है। बट आई ऑलवेज फॉरगॉट कि ऑप्शंस आर अ गैम्बलिंग एंड अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इटसेल्फ। व्हेन वी आर बाइंग कॉल ऑप्शंस वी आर बेसिकली बाइंग कैसीनो टिकट्स एंड व्हेन वी आर बाइंग पुट ऑप्शंस वी आर बेसिकली बाइंग इंश्योरेंस, ठीक है। तो हम इस मेथड के अंदर क्या करते होते हैं कि हमारी एक 5% की जो कैपिटल होती है उसको हम लोग हेजिंग पर्पज के लिए साइड पर रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू 5,00,000 की होगी।
जस्ट फॉर एजम्पशन पर्पसेस आपका 10 लाख होगा तो आप उसको 5% के हिसाब से 50,000 समझ लेना, मैं 5 लाख के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो 25,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई विल अज्यूम कि इसके अंदर मैक्सिमम जो स्टॉक्स होंगे वो निफ्टी के होंगे, सिंस वी आर इन्वेस्टिंग इन टू द क्वालिटी स्टॉक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वंस वी हैव क्रिएटेड अवर पोर्टफोलियो वी विल बाय लॉन्ग टर्म निफ्टी पुट्स। और जब मैं लॉन्ग टर्म निफ्टी पुट्स की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर आज अगस्त 2024 चल रहा है तो मैं 2025 के दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तब की जो ऑप्शंस होती हैं वो मार्केट में ट्रेड करती हैं, अगर आप उसको बिड के ऊपर बाय पे लगाओगे तो वो ईजिली आपकी एक दिन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी, सिंस यू आर बाइंग एंड बाइंग अ ऑप्शन फॉर इंश्योरेंस पर्पस, आप उसको आराम से भी बाय कर सकते हो, ये नहीं है कि आपको अभी के अभी मार्केट प्राइस के ऊपर उसको बाय करने की ज़रूरत है। 5 लाख के पोर्टफोलियो साइज के पीछे जो आपकी वैल्यू आएगी वो 25,000 आएगी, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको सिमुलेट करके बताता हूँ कि इसका फायदा क्या होगा। अपने 5 लाख के पोर्टफोलियो के साथ हम लोग 2025 दिसंबर की निफ्टी की पुट्स बाय करेंगे। कौन सी बाय करनी है इसको हम लोग चार्ट के ऊपर थोड़ा सा समझ के देखते हैं कि मेरा दिमाग किस तरीके से चल रहा है। इससे पहले मैं बात करूं कि हमें पुट्स बाय करनी क्यों जरूरी है, मार्केट जरूरी तो नहीं है कि नहीं गिरेगा, साल के अंदर एक बार या दो साल के अंदर एक बारी एक्सपेक्ट करना कि निफ्टी 10 या 12% नीचे गिर सकती है, इट्स नॉट अ बैड अजम्पशन, इसकी प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल नहीं है, ये इवेंट हो सकता है, पहले कई बारी हुआ है, आगे भी होता रहेगा, दैट इज द टाइम व्हेन यू वांट टू सेव योर पोर्टफोलियो। सो आज के टाइम पे जब निफ्टी 24,600 के आसपास चल रही है, लेट्स से हमें लगता है कि आज के टाइम पे मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ को जा चुकी है एंड देयर इज अ रिस्क कि निफ्टी यहाँ से 10% नीचे गिर सकती है, एंड आई थिंक दैट्स अ जेन्युइन रिस्क जो आप सभी को लगता होगा, अगर ब्लैक स्वान इवेंट आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। निफ्टी की 22,000 की जो पुट है, 10% दूर मीन्स 22,000 के ऊपर मार्केट गिर जाएगी वहाँ पे। 22,000 की दिसंबर 2025 की जो पुट्स है वो इस टाइम पे 380 पे चल रही है। 380 का मतलब है कि अगर मुझे 25,000 से या 30,000 से 5% ऑफ माय पोर्टफोलियो वैल्यू अगर उसको बाय करना हो तो मेरे पास 75 क्वांटिटी आएगी जिसको मैं बाय करूँ। नाउ अज्यूमिंग कि निफ्टी 8 से 10% गिरेगी, हो सकता है मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 12% नीचे गिरे, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 8% नीचे गिरे। आई विल अज्यूम ऑन द वर्स्ट साइड कि जो मेरा पोर्टफोलियो लॉस है वो 12% के पास होगा, सो मेरा 5 लाख का जो पोर्टफोलियो है इट विल बी इनकरिंग अ लॉस ऑफ 60,000 rupees। But what will happen with this is when this event occurs, जो मैंने यहाँ पे ये 380 की puts buy की थी, यहाँ पे ये 380 की जो puts है ये अपनी value में soar कर जाएंगी, कितना soar करेंगी, now that is purely speculation, इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता, but इतना ज़रूर है कि वो soar करेंगी, because जब भी market fell करती है India VIX rise करती है तो put के जो premium होते हैं वो automatically increase हो जाते हैं। इसके अंदर assumption चलती है, assumption के अंदर मैं क्या करता हूँ, आज अगर अगस्त है और ये वाला इवेंट जो है वो एक साल के बाद होना है, दिसंबर 2024 के लिए सिर्फ 4 महीने रह गए हुए हैं, तो मैंने एक मोटा मोटा चेक किया कि दिसंबर 2024 के एट द मनी के पुट्स के प्रीमियम आज कितने रुपए पे चल रहे हैं, तो मैंने नोट किया कि वो 500-600 रुपए के ऊपर चल रहे थे। सो अगर अगले 2 महीने में ये इवेंट अकर कर जाता है तो मेरा एस्टिमेट ये है कि ये जो ऑप्शन मैंने 380 रुपए पे खरीदी हुई है, इट विल समवेयर ट्रेड अराउंड 700-800 rupees इन द नेक्स्ट 2 मंथ अगर निफ्टी के अंदर 10% का फॉल आ जाता है। सो व्हाट विल हैपन इफ मार्केट फॉल्स इन 2 मंथ, द 22,000 पुट जिसको हम लोगों ने इंश्योरेंस के लिए परचेज किया था, फ्रॉम 380 इट विल गो टू 850, ठीक है। हमारा जो हेजिंग के ऊपर प्रॉफिट होगा वो लंप सम 35,000 या 36,000 का हो रहा होगा, ठीक है। हमारा पोर्टफोलियो का लॉस जो है वो 60,000 के आसपास होगा, सिर्फ हेजिंग करने की वजह से हमारा जो नेट लॉस है वो एक 5% के ऊपर रुक जाएगा। जो पोर्टफोलियो लॉस 10 या 12% होना चाहिए था, सिर्फ 5% की पुट बाय करके वो पोर्टफोलियो लॉस जो है वो 5% के ऊपर कैप हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जिस टाइम पे मार्केट नीचे गिर जाती है, आपने अपनी जो एक इंश्योरेंस बाय की थी, पुट बाय की थी, दैट वाज अ कॉस्ट दैट यू वर विलिंग टू पे, मार्केट नीचे गिर गई तो उस ऑप्शन के प्रीमियम शूट करके ऊपर को, तो वो कॉस्ट आपको इनकर नहीं करनी पड़ी, तो वो भी पैसा आपके पास वापस आएगा। सो
When market falls, you have now 60,000 in your pocket, जिसको आप इस गिरी हुई मार्केट के अंदर और स्टॉक्स को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो को एवरेजिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि 10-12% के बाद मार्केट वापस बाउंस कर जाती है. वट यू कैन डू, लेट से गिरे हुए लेवल्स के ऊपर यू कैन बाई इनफी, यू कैन बाई रिलायंस एट अ बेटर प्राइस. कल को जब मार्केट वापस रिकवर करना शुरू करेगी तो आपने जो स्टॉक्स बाय किए थे उनका एक एवरेज प्राइस इंप्रूव हो गया होगा और वो सारा का सारा रिकवर कर जाएगा वहां से. सो 5% ऑफ पुट ऑप्शंस ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इज अनदर वे जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर. आगे चलते हुए, पहले मैं आप लोगों के साथ स्टैगर्ड कवर्ड कॉल शेयर करना चाहता था, बट दैट इज द बेस्ट मेथड दैट आई हैव, जिसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ, उसको मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा. अभी तक मैंने जो आपके साथ एक पोर्टफोलियो हेजिंग की बात की थी वो मैंने एक 5 लाख से 10 लाख वाले इन्वेस्टर के लिए बात की थी, बट इट इज इक्वली ट्रू इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 50 लाख, इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 1 करोड़, यू कैन ऑलवेज डिप्लाई 5% कैपिटल फॉर द हेजिंग पर्पसेस. इट इज गोइंग टू रिमेन ट्रू. ठीक है, अब जिनके पास कैपिटल ज्यादा होती है, जो लोग फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर जो डायरेक्टली स्टॉक बाय करके चलते हैं, ये मेथड उनके लिए है. व्हाट दे कैन डू इज व्हेनेवर दे बाय द स्टॉक, and I'm not talking about buying stock for let's say 1 lakh 2 lakh, I'm talking about जब 10 लाख से upward में आप किसी stock को buy करते हो, उसको हेज करने के लिए आप हमेशा एक put buy कर सकते हो. यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक example लिया है Astral का. Astral के केस में it was giving buy signals, so what one could have done is कि वो futures के अंदर 2025 के ऊपर Astral का future buy कर ले और उसको hedge करने के लिए 2100 की जो put है उसको 31 रुपए के ऊपर buy कर. This method is little costly, but ये आपकी downside को पूरा का पूरा protect कर देता है. As you can see in this particular scenario here, आपका जो maximum loss है वो 57,000 के ऊपर रह गया हुआ है, but upside आपके पास unlimited है. मैं किसी को भी naked futures trade करने की कभी भी सलाह नहीं देता, because जिनके पास 10-12 लाख की capital होती है, करने को तो वो future buy 2 लाख से कर सकते हैं, 2.5 लाख से कर सकते हैं और 5 पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 2-2.5 लाख का जो मार्जिन आपका लग रहा होता है उसके पीछे जो नोशनल वैल्यू होती है वो 10 लाख से लेके 15 लाख की होती है. अगर आपका स्टॉक्स के ऊपर एक स्टॉप लॉस जो है वो 2% से लेके 5% तक का भी आता है, तो आपका जो सीधा लॉस है वो 12,000 से लेके 25-30,000 तक बड़े आराम से हो जाएगा. इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अगर किसी ने फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो ही शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 1-1.5 करोड़ कैपिटल उससे वो ट्रेड करे. उसके बावजूद भी देयर कैन बी अ ब्लैक स्वान इवेंट, जिसकी वजह से, जो ब्लैक स्वान इवेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 10% नीचे गिरेगा, डैट इज अ ब्लैक स्वान इवेंट. कई स्टॉक्स अपने रिजल्ट के बाद 2-2.5% भी अगर नीचे गिर गया और आपने उसका फ्यूचर बाय करके रखा हुआ है या फिर फ्यूचर सेल किया हुआ है और वो उल्टा चला गया वहां से, इट विल इजीली गिव यू 25-30,000 लॉस. ऐसे केस में व्हेन यू बाय अ पुट ऑप्शन इन फ्यूचर्स, आप अपनी पोजीशन को एक मैक्सिमम लॉस के अगेंस्ट साथ के साथ ही वहां पे रिस्क अवर्स कर देते हो. नाउ कई लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि सर अगर हम लोग बाय कर देंगे हमारा मैक्सिमम लॉस तो -57,000 का हो जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर थोड़ी देर के लिए वो स्टॉक वहां से, जरूरी नहीं है कि उसने वहां से नीचे गिर के आपको एक मैक्सिमम लॉस देना है ब्लैक स्वान इवेंट के अंदर. ये भी तो हो सकता है कि जब आपने उसको बाय किया वो इस तरीके से मूव करना साइडवेज स्टार्ट हो जाए. अगर वो साइडवेज मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अपनी पुट को कवर कर दोगे, तो इट्स नॉट एसेंशियली कि जो आपका लॉस है वो 60,000 का ही होगा. हो सकता है आपका 10,000 का लॉस हो जो आपने वैसे भी लेना था. ठीक है, सो फ्यूचर अगर बाय करते हो या फिर अगर स्टॉक को 10 लाख की ज्यादा क्वांटिटी से एक स्टॉक बाय करते हो तो उसको हेज करने का सबसे ज्यादा बेटर मेथड होता है कि आप पुट बाय करते हो. नाउ एक बात इसके अंदर हमेशा याद रखना, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनकी नेक्स्ट वीक की जो ऑप्शंस होती है उसको आप, सॉरी नेक्स्ट मंथ की जो ऑप्शंस होती है उसको आप बाय कर सकते हो, बट कई ऐसे स्टॉक होंगे, फॉर एग्जांपल एस्ट्रल, क्रॉम्पटन, ICICI, GI, इनके केस में हो सकता है आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर ऑप्शंस परचेज करने को ना मिले. सो यू विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि मैं किस स्टॉक को बाय कर रहा हूँ. कई बार हो सकता है एक्सपायरी वाले वीक के अंदर आपको पोजीशन क्रिएट करनी पड़ रही है या 2 हफ्ते पहले क्रिएट करनी पड़ रही है, देन यू माइट नीड टू लुक इनटू द नेक्स्ट मंथ टू बाय ऑप्शंस. अब मैं आपके साथ वो मेथड शेयर करता हूँ हेजिंग करने का जो मैं पर्सनल लेवल पे यूज करता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. कवर्ड कॉल के थ्रू देर आर टू वेज बाय विच यू कैन हेज योर पोजीशंस, यू कैन हेज योर पोर्टफोलियो. ठीक है,
और मैं दोनों यूज करता हूँ, मेरे दोनों फेवरेट है। पार्शियल कवर्ड कॉल भी मैं यूज करता हूँ, स्टैगर्ड कवर्ड कॉल भी मैं यूज। व्हाट इज अ पार्शियल कवर्ड कॉल? आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो MCX की पोजीशन है ये 4254 के ऊपर मुझे इसकी बाय ट्रेड मिली थी। जिस टाइम पे मुझे इसकी बाय ट्रेड मिली थी मैंने इसकी 50 क्वांटिटी बाय की थी। नाउ द लॉट साइज ऑफ MCX इज 200। मैंने सिर्फ इसकी 1/4 क्वांटिटी परचेज की और मैंने इसकी 4800 के ऊपर कॉल जो है 32 रुपीज पे सेल कर दी। व्हाट हैपन्स विद डैट इज अगर MCX 4300 से 4800 के ऊपर चला जाता है, मेरे पास 50 स्टॉक्स हैं, 50 into 500 इज इक्वल टू मुझे 25,000 का प्रॉफिट होगा मेरी पोजीशन। बिकॉज मैंने 4800 की एक कॉल भी सेल करके रखी हुई है, 200 into 32 मुझे 6,000 का प्रॉफिट वहां से भी होगा। अब इसका मुझे बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, मैंने बार बार बताया है कि जो FNO के स्टॉक्स होते हैं वो मीन रिवर्टिंग होते हैं। कई बार आपको ब्रेकआउट मिलता है, वो ब्रेकआउट फेल कर जाते हैं। ऐसे केस में अगर स्टॉक फेल भी कर जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है, अगर MCX 4300 से 4200 के ऊपर आ जाता है, मेरा 5,000 का लॉस होगा। बट बिकॉज मैंने 32 रुपीज के ऊपर 4800 की कॉल को सेल कर रखा है, मेरा वो जो स्टॉप लॉस है वो वहां पर नेगेट हो जाए। नाउ सम पीपल आस्क मी क्वेश्चन कि अगर MCX और नीचे आ गया तो क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। आप एटलीस्ट वो 6,000 का लॉस जो है उसको कवर करो, उसके बाद अगर पोजीशन होल्ड करके अगले मंथ के अंदर आपको एक ऑप्शन और सेल करनी पड़ जाए या आपको लेट से 4500 की कॉल सेल करनी पड़ जाए तो भी आप कर सकते हो। बिकॉज आपकी जो अजम्पशन थी कि प्राइस वहां से ऊपर जाएगा वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है। अगर प्राइस एकदम से नीचे नहीं जा रहा तो हो सकता है वहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा और बाय द मंथ एंड आपको 2 सेल की हुई ऑप्शन का प्रीमियम रखने को वहां पे मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा बहुत बुरी होता है एंड दिस हैज नेवर हैपेंड कि मैंने किसी ट्रेड को लॉस में कवर किया हो। हमेशा या तो मैंने ब्रेक इवन पे कवर किया या फिर मैंने उसको प्रॉफिट के अंदर कवर किया। दिस इज अवर वर्स्ट केस सिनेरियो। हमारा बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है कि हमने 43 के ऊपर बाय किया, 4800 की हमने कॉल सेल की और उसके बाद स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ चला गया और 4800 के पास स्टॉक यहां पे एक्सपायर कर गया। इस केस में मुझे 500 की मूव भी मिलेगी और मैंने जो यहां पे 32 रुपीज का प्रीमियम सेल किया था मुझे वो भी मिलेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो होता है वो अपना मीन रिवर्ट नहीं करता, उस केस के अंदर हो सकता है 4800 के ऊपर भी जाने लग पड़े। दैट टाइम पे घबराने की जरूरत नहीं होती, बस अगर आपकी जो ऑप्शन है वो इन द मनी होनी शुरू हो उसको कवर कर दो लॉस के ऊपर। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक के ऊपर आप ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हो वहां, और मान लो आपने 32 की ऑप्शन ली थी और वो 100 पे पहुंच गई हुई है तो यहाँ पे आप 68 पॉइंट का लॉस जो है बुक कर लो और अपनी जो पोजीशन है उसको वहां से अपनी ऑप्शन सेल पोजीशन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेल अ 5,000 स्ट्राइक कॉल, हो सकता है मुझे 50 रुपए के ऊपर मिल रही होगी। ठीक है, होगा क्या, इस 68 के लॉस के अंदर से मेरा 50 रुपए का प्रीमियम वापस आ जाएगा, मेरा 18 रुपीज का लॉस जो है यहाँ पे चल रहा होगा, पर यहाँ पे 4300 से लेके 5000 तक का एक इक्विटी का गेन मैं ले चुका हूँ। और इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट भी कर सकते हैं। मान लो हमारा सिर्फ 18 रुपए का लॉस रह गया हुआ है, नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाके हम लोग और ऊपर 5400 के ऊपर लेट से 20 रुपए की ऑप्शन को भी हम लोग सेल कर सकते हैं। दिस पार्शियल कवर्ड कॉल मेथड इज एब्सोल्यूटली अ नो लॉस स्ट्रेटजी फॉर मी। इसको मैं बहुत यूज करता हूँ रिलायंस के साथ, ICICI बैंक के साथ। कई बारी इसका सिर्फ नुकसान इतना होता है कि मेरा कोई 1 या 2 मंथ सिर्फ ब्रेक इवन लग जाते हैं, पर मेरी कैपिटल का लॉस कभी नहीं होता। बिकॉज मैंने सबसे पहले 1/4 क्वांटिटी के स्टॉक बाय किए हुए हैं और उसके अगेंस्ट जब मैं कवर्ड कॉल करता हूँ, तो अगर मैंने 50 शेयर बाय किए थे और 200 की क्वांटिटी में मैंने ऑप्शन सेल की थी, तो अगर मैंने 32 रुपए का भी प्रीमियम अगर कलेक्ट किया है तो 50 की क्वांटिटी के हिसाब से इट बिकम्स 4 टाइम, दैट इज 130 के अराउंड क्वांटिटी। इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेल के ऊपर समझ के देखना, इट विल ब्लो योर माइंड कि ये स्ट्रैटेजी कितना ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। नाउ दिस इज द मेथड यू कैन यूज व्हेन यू हैव 5 to 10 lakh कैपिटल और आपको लगता है कि मुझे अपनी जो क्वांटिटी है इक्विटी बाइंग के अंदर उसको 50-60 की क्वांटिटी से जो 2-2.5 lakh की वैल्यू होती है उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना। बिकॉज नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय अ फुल लॉट इन इक्विटी व्हेन दे आर ट्रेडिंग इट।
सो लेट से अगर मेरा फोलियो साइज 50 लाख का है, आई विल नॉट वॉन्ट कि 10 लाख एक स्टॉक के अंदर हो, 10 लाख दूसरे स्टॉक के अंदर हो, सिर्फ 5 स्टॉक हो मेरे पास। आई विल वॉन्ट कि मेरे पास 10-15 स्टॉक हैं और मैं अपनी कैपिटल को उसके अंदर जगह जगह पे स्प्लिट कर सकूँ। उस केस के अंदर ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आती है बिकॉज मुझे लॉस नहीं होता उसके बाद। पर जिनका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है वो एक स्टैगर्ड कवर्ड कॉल कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट एग्जांपल में शेयर करता हूँ। स्टैगर्ड कवर्ड कॉल के अंदर मैं आपके साथ एक अंबुजा सीमेंट का एग्जांपल शेयर करता हूँ। अंबुजा सीमेंट इज नॉट अ बैड कंपनी, इट्स अडानी कंपनी। किस तरीके से वर्क करती है, अंबुजा का जो फुल लॉट साइज है दैट इज 900 क्वांटिटी। इस जगह पे मुझे लगता है कि अंबुजा इस टाइम पे इन्वेस्ट करने वाली जगह पे है और मुझे इस बॉटम के ऊपर बाय करना है। व्हाट आई विल डू इज 1/4 क्वांटिटी ऑफ द फुल लॉट साइज 225, मैं 642 के ऊपर बाय करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। और साथ के साथ ही 700 की जो कॉल है उसको मैं 6.5 के ऊपर सेल कर दूंगा और 6.5 का जो प्रीमियम है वो मेरा 5800 का नेट क्रेडिट है जो मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ स्टैगर्ड कवर्ड कॉल। माय अजम्पशन इज कि अगर मुझे इस अंबुजा सीमेंट को डिसाइसिवली एक फुल लॉट के अंदर बाय भी करना है तो मैं तब करूंगा जब इसने एक रेजिस्टेंस पॉइंट को यहां पर ब्रेक करके ऊपर की तरफ को चलना स्टार्ट कर दिया। मैं सारा का सारा फुल लॉट 900 क्वांटिटी का यहां पे बाय नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ 225 बाय किए। अब होगा क्या, अगर तो स्टॉक साइडवेज हुआ या थोड़ा बहुत नीचे भी आ गया बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू दिस स्टॉक, जो थोड़ा बहुत लॉस मेरे को फर्स्ट पोजीशन से होगा वो मेरी कवर्ड कॉल मुझे यहां पे ऑफसेट करेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड 6.5 रुपए का मतलब है 26 पॉइंट्स तक अगर अंबुजा सीमेंट नीचे आ गया तो मुझे लॉस नहीं होगा बिकॉज माई इक्विटी पोजिशन इज 225, ऑप्शन पोजीशन इज 900 क्वांटिटीज 4 टाइम्स। सो अगर अंबुजा 26 पॉइंट भी नीचे आ गया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप उस पॉइंट के ऊपर और स्टॉक को बाय करके अपनी एवरेजिंग भी कर सकते हो, यू कैन गेट अ बेटर प्राइस आउट। अब क्या होगा अगर ये ऊपर जाना शुरू कर दे, ऊपर जाने के केस में हम लोग अब स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर्स एक सेट इंटरवल पे लगा के रखेंगे। सो लेट सपोज कि अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मैं 225 का एक ऑर्डर लगा के रखूंगा 665 के ऊपर, 665 के ऊपर। सो एज सून एज प्राइस गोज अप मेरी जो क्वांटिटी है वो 450 पे पहुंच जाए। अगर यहां से प्राइस और ऊपर गया, यहां पर 225 के ऊपर 685 क्वांटिटी बाय, यहां से अगर फाइनली प्राइस 700 को क्रॉस कर गया तो फिर से मेरा फुल लॉट जो है वो 900 का हो जाएगा। इससे होता क्या है, आपको एक कंफर्मेशन मिलती रहती है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, बिफोर दिस इन द मनी कॉल, बिफोर दिस आउट ऑफ द मनी कॉल गेट्स इन द मनी, आपके पास जो बाय क्वांटिटी है वो सेल क्वांटिटी के बराबर हो जाएगी। अब आपने उसको एक्सपायर होने, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये जो 700 की जो कॉल है ये आपकी या तो एक माइनर लॉस के ऊपर निकलेगी, इन विच केस योर बॉट स्टॉक विल बी मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट, या फिर हो सकता है अंबुजा यहां पे 700 के आसपास कहीं पे सेटल हो जाए, जिस केस के अंदर आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा और आपको अपने एवरेज प्राइस का भी बेनिफिट मिलेगा। लेट सपोज अंबुजा 699 के ऊपर सेटल होता है, इन दैट केस योर एवरेज प्राइस विल बी 673, योर कॉल प्राइस विल बी 6.4, आपका टोटल बेनिफिट 33 पॉइंट्स का हो जाएगा। 3300 को आप 900 से मल्टीप्लाई करो, आपका अप्रॉक्सीमेटली 30,000 का प्रॉफिट होगा विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस। अगर हद से हद ये 700 रुपये के ऊपर चला गया, आप चाहो तो उस कवर्ड कॉल को ख़त्म करके स्टॉक को रिटेन कर सकते हो, या फिर आप कहते हो कि मुझे 33 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया हुआ है, मुझे इस पोजीशन के अंदर से एग्जिट करना है, आप अपनी पोजीशन को ऐसे छोड़ दो, आपका जो ब्रोकर है आपके अकाउंट में से जो 900 शेयर हैं दूसरी पार्टी को दे देगा, आप अंबुजा सीमेंट को दोबारा से बाय कर सकते हो और इस प्रोसेस को बार बार आप रिपीट भी कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जिसको मैं पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए यूज करता हूं। वन इज प्योरली अ ट्रेडिंग मेथड, सेकंड मेथड
सेकेंड मेथड जो है वो पोर्टफोलियो हेजिंग का है, जिसके अंदर हम लोग 5% कैपिटल को यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म पुट्स बाय करने के लिए। थर्ड मेथड है जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर के साथ पुट को बाय कर सकते हैं। फोर्थ मेथड इज़ माय फेवरेट वन, जो है पार्शियल कवर्ड कॉल, जिसके अंदर हम लोग अपनी सेल की हुई ऑप्शन को या तो जीरो होने देते हैं या उसको हम लोग रोल कर देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि हम उसका लॉस का कवर कर सके जब हमारा इक्विटी स्टॉक है वो मूव करता जाए ऊपर को। एंड लास्टली अनदर मेथड दैट आई लव इज द स्टैगर्ड कवर्ड कॉल, जिसके अंदर मेरे पास स्टॉक को पूरा परचेज करने की पावर होती है, बट मैं सिर्फ उसको 1/4 क्वांटिटी से परचेज करता हूँ, सो दैट आई कैन एक्सपेक्ट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि इन सारे मेथड्स में से हेजिंग का मेथड कौन सा आपको सूट करता है। डू लाइक दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड डू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट अवर अपडेट्स। थैंक यू।